Hello friends, welcome to my channel Excellent Coaching. Class 12 Psychology Chapter 1 का आज हमारा last topic है और वो है Creativity versus Intelligence. ठीक है, तो creativity की बात हो रही है, तो creative कौन होता है सबको पता ही है. कौन creative होते हैं? जो नए नए ideas सोचते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, कुछ नया invent करते हैं, scientist होते हैं जैसे, और बहुत नई चीज़ें सोच लेते हैं जो नॉर्मली हम लोग सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बनाई है, इसमें से आपको क्या लगता है कौन से लोग क्रिएटिव में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे? ठीक है, जैसे पहला आर्टिस्ट है. आर्टिस्ट तो काम ही क्रिएटिविटी का होता है ना, तो सबको पता है आर्टिस्ट जैसे कोई आर्टिस्ट. अब आर्टिस्ट में आपका फाइन आर्ट्स वाला भी आ सकता है, म्यूजिक आर्टिस्ट भी आ सकता है, एक्टर भी हो सकता है, तो ये तो काम ही इनका एक तरह से क्रिएटिविटी है, तो इसको तो हम लेके चलते ही हैं. पोइट है, पोइट क्या करता है? पोएम्स बनाता है. तो अगर पोएम्स बना रहा है तो पोएम्स बनाना तो बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है, तो ये तो आप कहोगे ये तो है ही क्रिएटिविटी, क्रिएटिव ही है ये तो. राइटर, राइटर कौन होते हैं? कहानियाँ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, नया बना के स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं, तो ये भी है क्रिएटिव ही है, ये सारा क्रिएटिव काम ही तो कर रहे हैं. पॉटर, पॉटर जैसे हिंदी में कुमार बोलते हैं, तो क्या वो क्रिएटिव है? अब इसमें आपको क्वेश्चन मार्क आ गया, डाउट आ गया, वो क्या क्रिएटिव काम करता है? कुक, कुक कैसे क्रिएटिव हो गया? वो तो खाना ही बना रहा है. कारपेंटर, कारपेंटर कैसे क्रिएटिव हो सकता है? वो तो सेम चीज़ बना रहा है, लकड़ी की वही बना रहा है, चेयर बना रहा है, टेबल बना रहा है. क्वेश्चन मार्क, अभी डाउट है. वीवर, वीवर कौन होते हैं? वीविंग करते हैं, कपड़ा बनाते हैं. ठीक है, फैब्रिक बनाते हैं, इसमें क्या है डाउट? इसके आप मुझे आंसर्स बाद में कमेंट में दे देना, अगर आपको समझ आ जाता है तो. मैं कोशिश करूँगी आपको समझ आ जाए. पेंटर कौन? पेंटर जो घर पेंट करते हैं और कार पेंट करते हैं, वो वाले पेंटर, क्या वो क्रिएटिव है? जो घर पेंट करते हैं आपका, वो क्रिएटिव है? डाउटफुल. स्टूडेंट, सारे हम सब स्टूडेंट ही हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, आप मेरे से सीख रहे हो, मैं भी आगे पढ़ती हूँ, तो हम लोग क्रिएटिव हैं? तो ये सारे तो क्वेश्चन मार्क हो गए. पहले तीन तो हमें पता ही है ही, उनका काम ही क्रिएटिव है, लेकिन इनका हमें नहीं पता. ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं क्रिएटिविटी क्या होती है. क्रिएटिविटी वर्सेस इंटेलिजेंस में बहस क्यों होती है? क्योंकि हम जैसे ये मानते हैं कि जनरली क्रिएटिव फील्ड में वही जाते हैं जो इंटेलिजेंट नहीं होते, एक्टर वही बनते हैं जो पढ़ नहीं सकते, ड्रामे में वो ड्रामा करने वही जाते हैं जो थिएटर में जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, राइटर, पोएट्स, ये सब लोग जो पेंटिंग, फाइन आर्ट्स करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती लेकिन वो इन कामों में अच्छे होते हैं. इनकी ये वाली इंटेलिजेंस अच्छी होती लेकिन दूसरी नहीं होती, तो हम ये मानते हैं. इसलिए ये जो डिबेट चलती है कि क्रिएटिविटी वर्सेस इंटेलिजेंस, कि क्या क्रिएटिव पर्सन इंटेलिजेंट होते हैं या इंटेलिजेंट पर्सन क्रिएटिव होते हैं, तो अगर किसे पूछो जनरली आप तो कहेगा कि हाँ इंटेलिजेंट जो होता है वो क्रिएटिव होता है, लेकिन जो क्रिएटिव होता है वो इंटेलिजेंट नहीं होता, ऐसा मानते हैं. ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है. क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि जो क्रिएटिव है ना वो इंटेलिजेंट ज़रूर होते हैं, बेशक इंटेलिजेंट क्रिएटिव ना हो, उल्टा है. जो इंटेलिजेंट है, जो रट्टे मार मार के नंबर ला सकता है, जो लॉजिकल आंसर्स कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है मैथ की, जो याद करके आंसर्स लिख सकता है, वो क्रिएटिव बिल्कुल नहीं है. ठीक है, लेकिन जो क्रिएटिव है, जो सोच सोच के दिमाग लगा लगा के अपना नई चीज़ें बना रहा है, जो सारी चीज़ों के बारे में सोच के लोगों को क्या पसंद आएगा, मैं क्या लिखूं, और जो लिख रहा है उसको लैंग्वेजेस भी अलग अलग यूज़ करनी है, वर्ड्स भी नए नए यूज़ करने हैं, या फिर जो ड्रॉ कर रहा है, पेंट कर रहा है, उसको अलग अलग कलर्स लेने हैं जो अट्रैक्टिव लगे, लुक दिखने में बहुत परफेक्ट लगे, तो वो जो अपना दिमाग लगा रहे हैं क्रिएटिविटी के लिए वो इंटेलिजेंट हैं. इंटेलिजेंट लोग क्रिएटिव नहीं हो सकते, लेकिन जो क्रिएटिव लोग हैं ना वो इंटेलिजेंट होते हैं किसी ना किसी एक चीज़ में. क्रिएटिविटी में है इंटेलिजेंट, लेकिन उस क्रिएटिविटी को करने के लिए वो अपनी इंटेलिजेंस का ही यूज़ कर रहे हैं. अगर वो इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो वो क्रिएटिव फील्ड में भी कुछ नहीं कर सकते. तो ये जो डिबेट है ना क्रिएटिविटी वर्सेस इंटेलिजेंस,
आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर नॉट कोरिलेटेड, बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक है तो दूसरा नहीं है, क्रिएटिविटी है तो इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंट वाला जो है वो क्रिएटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। क्रिएटिव वाला बहुत इंटेलिजेंट नहीं होगा किसी एक चीज़ में, लेकिन वो फिर भी इंटेलिजेंट है, ठीक है? तो इंटेलिजेंस जनरली हम किसे बोलते हैं, जो लर्निंग फास्ट, जिसको बहुत जल्दी सब चीज़ें याद हो जाए और वो रिप्रोड्यूस कर ले एक्यूरेटली, जो बोला था वो सुना दे, वो जो लिखा पढ़ के गया वो लिख दे, वो हमारे लिए इंटेलिजेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और क्रिएटिविटी में क्या होता है, न्यू वेज ऑफ लर्निंग। अब एग्ज़ाम में दो बच्चे हैं, एक तो जो सेम रट के गया उसी को उसने रिप्रोड्यूस करके लिख दिया, छाप दिया पूरा सेम, उसको पूरे नंबर मिल गए। और दूसरा है वो समझ के गया और उसने अपने आंसर्स को बना के और अपने तरीके से समझा के लिखा, जो कि पढ़ने में और इजी लगा इंस्टेड ऑफ जो रट के लिख के आया। तो इंटेलिजेंट हम किसको, अगर जनरली आप लेमैन से पूछो तो जो आंसर रट के सुना दे एकदम सेम टू सेम, लोग कहेंगे कितना इंटेलिजेंट है। बट लेकिन देखा जाए तो जिसने आंसर्स को नए तरीके से लर्न किया, उसके दिमाग ला के नए तरीके से लिखा और ज़्यादा बेटर लिख पाया और ज़्यादा मेंटल एफर्ट लगाया, वो कौन इंटेलिजेंट हुआ ज़्यादा, फिर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ ना, ठीक है? तो इसका मतलब यही हुआ कि आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एक इंटेलिजेंट पर्सन भी क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन एक क्रिएटिव पर्सन इंटेलिजेंस ही यूज करके क्रिएटिव बनता है, ठीक है? तो और क्रिएटिविटी जो है ना, अब मैं आपको ये वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्रिएटिविटी सिर्फ उन चीज़ों में नहीं होती जिसमें हमें एकदम नया कुछ दिख जाए, क्रिएटिविटी उनमें भी आती है जो सेम काम को रोज थोड़ा थोड़ा चेंज करके कर रहे हैं, थोड़ा उसमें नई चीज़ ला रहे हैं, लोगों की अट्रैक्शन की, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हैं उसमें, और नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो क्रिएटिविटी उसको भी बोलते हैं। और जो कुछ काम अपना करते हुए ऐसे काम कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ खराबी ना हो, इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे अच्छा लगेगा, ये बेटर लगेगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि आप क्रिएटिविटी में बाकियों को भी डाल सकते हो या नहीं डाल सकते। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इसमें से कौन सा क्रिएटिव में आएगा और कौन सा नहीं। अच्छा, क्रिएटिविटी के भी टेस्ट होते हैं जैसे इंटेलिजेंस के होते हैं, इंटेलिजेंस के हमने टेस्ट पढ़े हैं तो क्रिएटिविटी के भी होते होंगे। तो इनके जो टेस्ट होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड मतलब उसमें फिक्स्ड ऑप्शन नहीं मिलेंगे येस नो के, या चार मल्टीपल चॉइस, वो ओपन एंडेड छोड़ देंगे ऐसे डैश लगा के कि आप अपने आप लिखो। क्यों? क्योंकि टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है, वो चाहेंगे कि आप खुद से जितना अच्छा बना के लिख पाओ वो आप लिखो उसमें। तो ओपन एंडेड होता है, क्वेश्चन ऐसा छोड़ दिया होता है पूछ के कि जिसमें आपको सोच के खुद आंसर बनाना हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जन मतलब आप हर डायरेक्शन में सोचते हो, क्वेश्चन के हर डायरेक्शन के लिए आप आंसर ढूंढते हो कि ये इधर भी हो सकता है, ये आंसर, ये सारे इसके आंसर हो सकते हैं, तो इसमें से कौन सा परफेक्ट आंसर है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है एकदम ऑलराउंड। वैरायटी ऑफ आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ आप उसमें इनकॉर्पोरेट करते हो, वो बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड से निकलवाने की कोशिश की जाती है उस टेस्ट के थ्रू। मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊँगी। यूज़ ऑफ पिक्चर्स एंड वर्ड्स ज़्यादा होता है, कैलकुलेशंस कम होती हैं क्योंकि कैलकुलेशन लॉजिकल में आ जाती है, वो इंटेलिजेंस टेस्ट में होती है, क्रिएटिविटी में नहीं। और लॉजिकल क्वेश्चंस कम होते हैं, बेसिकली पिक्चर्स और वर्ड्स का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है? और अगर दोनों का डिफरेंस आ जाए आपको कि टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी और टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है, तो इसका उल्टा लिख देना, ओपन एंडेड की जगह क्लोज एंडेड हो जाते हैं। डाइवर्जेंट का उल्टा कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है मतलब एक ही चीज़ पे फोकस करना, ना कि सब जगह एक प्रॉब्लम पे फोकस करके एक आंसर निकालना, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। वेराइटी ऑफ आइडियाज़ नहीं, एक सिंगल आइडिया पे फोकस करना है, एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यूज़ ऑफ पिक्चर्स एंड वर्ड नहीं होते इंटेलिजेंस टेस्ट में, उसमें यूज़ ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशंस, ये सब होता है। तो इसका ऑपोजिट आपने जस्ट लिखना अगर आपको पूछे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी और टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ कि क्रिएटिविटी का टेस्ट कैसे किया जा सकता है। सपोज आपको ये फिगर मिली हुई है, ऐसे एक आपके पेपर, आपको एक पेपर मिला है, शीट मिला है जिसमें ये बना हुआ है उल्टा सेमी सर्कल, आपको इससे एक फुल फिगर बनानी है, ठीक है? और ओपन एंडेड है, आप कुछ भी बना सकते हो इससे। तो आपका अगर क्रिएटिव माइंड है तो आप क्या क्या सोचोगे इससे,
आप सोचोगे कि मैं इसको इस फिगर को ज्वाइन कर दूं तो सेमी सर्कल पूरा हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैं इसको ऐसे कर दूं तो सर्कल पूरा हो जाएगा। फिगर बनती जा रही है अलग अलग। कभी आप सोचोगे कि मैं इसको अम्ब्रेला बना सकता हूँ। क्रिएटिविटी चेक हो रही है। कोई सोचेगा कि मैं इसको, अगर और क्रिएटिव ज़्यादा माइंड होगा तो वो सोचेगा मैं तो इसका आम बना सकता हूँ। तो ये क्रिएटिविटी टेस्ट है। जो कम क्रिएटिव होगा वो खाली सेमी सर्कल या सर्कल तक छोड़ देगा। जो ज़्यादा क्रिएटिव होगा वो उसका अम्ब्रेला या मैंगो तक पहुंच जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके होते हैं क्रिएटिविटी टेस्ट, सिंबल्स का या पिक्चर्स का यूज़ करके। ठीक है, ज़्यादा फेमस किस किस के हैं? जैसे गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड हमने पढ़ा हुआ, तो उनके क्रिएटिविटी टेस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। टॉरेंस के भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको नेट पे भी मिलेंगे। तो ये आपका टॉपिक आज का ख़त्म होता है, क्रिएटिविटी वर्सेस इंटेलिजेंस। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसका चैप्टर 2 है, जो साइकोलॉजी क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक का सेल्फ एंड पर्सनालिटी, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये समझ आई है वीडियो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए और इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।